पलटी कर। फैजान, आज जानना चाहेंगे आज आप क्या कहने वाले हो सभी से, और इसके पहले हमने देखा था आपने उर्फी के लिए कुछ कहा था, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि आज आप फिर से सभी के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, किस विषय पर प्लीज़ बताइए। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। मुझे, मैं आपको कल का कुछ बताता हूँ। मैं कल काफ़ी लेट अपने घर पहुँचा, सो जब मैंने अपना फ़ोन देखा घर पहुँच के, तो काफ़ी मैसेजेस थे, मतलब अभी लोग मुझसे कनेक्ट होते जा रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, के आप इसके लिए बोलिए, उसके लिए बोलिए, जबकि मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था कि अभी आसिम रियाज़ उमरे पे गए हैं, वहाँ उन्होंने जाके क्या क्या किया। तो लोग अभी मुझे खूब, उन्होंने टैक्स किए, व्हाट्सएप किए, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस किए कि आसिम रियाज़ के अगेंस्ट आना चाहिए। जब मैंने उसके लिए थोड़ी सी जितनी डिटेल्स में गया, तो फिर मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी कि आसिम रियाज़ एक कश्मीरी आतंकवादी हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, और पूरा मुंबई का माहौल जिन्होंने ख़राब करके रखा है, और धार्मिक चीज़ों को भी वो अपना करियर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, किसी हिंदू धर्म के अगेंस्ट भी कोई आएगा तो कोई मुझे बोलेगा तो मैं उसके अगेंस्ट भी एक्शन लूँगा। उमरे के नाम पर आसिम रियाज़ जाके फ़ोटोशूट कर रहे हैं, हमारे धर्म बताया जाता है आप उमरे पे जा रहे हैं, खाने काबा जा रहे हैं, तो आपके बाल छोटे छोटे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ तवाफ़, जो आप जो राउंड सर्किल लेते हैं उसको तवाफ़ कहते हैं, छोटे छोटे आपके बाल होना चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इमीडिएटली आसिम रियाज़ को बॉम्बे से बैन करना चाहिए, आसिम रियाज़ और उनके बाप का पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, और लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट होना चाहिए। ये एक आतंकवादी लोग हैं, कश्मीरी, ये मुसलमान है ही नहीं आसिम रियाज़, ये एक आतंकवादी है, और उमरा जैसी जगह को यूज़ कर रहा है, इतनी पवित्र पाक जगह को यूज़ कर रहा है। आप बताइए किसी मंदिर में और चर्च में ऐसा होता तो क्या होता, वहाँ तो जो लोकल्स हैं, जो अरबी हैं, उनको पता नहीं है कि लोग वहाँ जाके, वहाँ पर कैमरा मोबाइल्स भी अलाउ नहीं होते हैं, वो अंदर जाके वीडियो शूट कर रहे हैं पूरा, उसके अगेंस्ट आज मैं आया हूँ। देखिए, कश्मीर से आतंकवाद का बहुत पुराना नाम जुड़ा हुआ है, और कश्मीरी जब कश्मीर में रहते हैं तो बॉम्बे में क्यों आते हैं, तो मेरी तो इनसे पूरे दुनिया से मेरी गुजारिश है कि मेरा सपोर्ट करें इस लड़ाई में। फिर से एक बार मैं सामने आया हूँ, लोगों मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट खड़े हुए। उमरा जैसी पवित्र जगह को आसिम रियाज़ ने यूज़ किया है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उमरा करने गया था, अल्लाह ताला को दिखाने के लिए उमरा करने नहीं गया था, तो ये उसने एक बहुत गलत कदम लिया है। लेकिन आसिम रियाज़ के साथ और भी बहुत सारे लोग इस दौरान, बहुत सारे लोग गए जी, जैसे कि वीना खान हो गई, फिर अली गोनी है, वो भी गए जी, इसके पहले भी मिस्टर फैजू, वो भी गए जी, तो क्यों ही सिर्फ आपने आसिम रियाज को टारगेट किया? हिना खान का भी हमने देखा था कि वो जिस तरीके से वीडियो वहाँ बना रही थी, आपने कहा कि वो जो जगह होता है बहुत पवित्र होता जी, है जी, बिल्कुल राइट, करेक्ट जी, आप लोग राइट, राइट, लेकिन वहाँ खड़े रह के एक वीडियो बनाना और वो वीडियो डालना, क्या ये सब बातें सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, हिना खान ने जो किया है, अगर जिसने भी ऐसा किया है, इवन मैं भी अगर वो जाके करता हूँ उमरा पे, तो बहुत गलत है, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए, कैमरा अलाउ नहीं होना चाहिए। देखिए, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, वो ऐसी पाक पवित्र जगह है, वहाँ पे जाके आप छुप के कुछ कर रहे हैं तो कौन वहाँ देखने वाला है? बट ये इनको करना ही नहीं चाहिए ऐसा, ये कितना गलत कर रहा है। इन जैसे कश्मीरियों का तो पासपोर्ट जब्त करना चाहिए ये बॉम्बे में रह के। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आसिम रियाज़ एक आतंकवादी है, एक दिन बॉम्बे में बॉम्ब बन के फटेगा आसिम रियाज़, ये आज फैजान अंसर का दावा है। आप आज की डेट, आज का टाइम, आज की मेरी बात नोट कर लीजिए, पूरी दुनिया एक दिन ये देखेगी, बॉम्ब बन के इस बॉम्बे में, शहर में फटेगा अगर ये आसिम रियाज बॉम्बे में रहेगा तो। लेकिन आसिम रियाज ने तो इतना बड़ा रियलिटी शो भी किया है बिग बॉस, और साथ ही जो जाने माने इतने बड़े कलाकार है सलमान खान, वो उन्होंने उनको अप्रोच किया है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, आप कैसे कह सकते हो कि वो एक आतंकवादी? देखिए, उनका परफॉर्मेंस जब था, वो शो पुराना हो चुका है, वो काफ़ी पहले उस शो में गए थे, अभी नहीं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला है, अभी मैं दुनिया को ये भी बताना चाहता हूँ नेशनल चैनल पर, कि वो एक उनके दिखावे का हिस्सा है जो अभी वो आसिम रियाज कर रहे हैं। एक्चुअल में आसिम रियाज का करियर ख़त्म हो चुका है, उनके पास काम नहीं है, तो अभी वो धार्मिक जगहों को यूज़ कर रहे हैं, खाने काबा को यूज़ कर रहे हैं, कल को मंदिर आएंगे, उन बगैर बाल कटवा के वापस आए, उनका उमरा तो कबूल ही नहीं हुआ है,
हराम माना गया है ऐसा उमरा, उनके लिए हराम है ऐसा। और फोटोग्राफर लेके खाने काबा में जाना एक बहुत बड़ा अपराध है, जुर्म है। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, उस फोटोग्राफर की पूरी डिटेल आपको ला के दूंगा मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और मैं आपको एक और बात लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आसिम रियाज में इतनी हिम्मत नहीं कि फैजान अंसारी को इतना सभी जवाब दे सके या कुछ कर सके। खड़ा हूँ मैं बॉम्बे में, आसिम रियाज या उसका बाप आके मुझसे कुछ बोल के बताए, ये मेरी गारंटी। ये मैं इसलिए आपके सामने, देखिए मैं ये भी लेके आया हूँ सबके सामने, सबको पता होना चाहिए कि खाने काबा एक दुनिया की पाक पवित्र जगह में से एक है। इस जगह पे जाके इस तरह की हरकत करना, वीडियो शूट करना, अपना काम दिखाना, यहाँ आके नंगे होना, ये बहुत ही गंदी बात है। ये देखिए आप, ये इनकी असलियत है, असली चेहरा है। इनका करियर ख़त्म हो चुका है, आसिम रियाज फ्लॉप हो चुके हैं, तो वो दूसरा रास्ता अपना रहे हैं आगे जाने के लिए। तो मेरी गुजारिश है पूरी दुनिया के लोगों से, मेरा सपोर्ट करें। आसिम रियाज जैसे 36 लोगों को अभी मैं सामने ला के नंगा करने वाला हूँ। अब लोग फैजान अंसारी से उम्मीद लगा रहा है, मैं अब करोड़ों लोगों का फेस बन के सामने आया हूँ। फैजान अंसारी आज करोड़ों लोगों का फेस है, हर आदमी तो मीडिया के सामने आ नहीं सकता है। किसी को फैमिली फाउंडेशन है, कोई डरता है, कोई पुलिस में जाने डरता है, बट फैजान अंसारी किसी डरता नहीं, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैं लीगल तरीके से करता हूँ, मेरे सब चीज़ें पहले मैं लॉयर से डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने आता हूँ। मैं बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है अभी, मैं आप लोगों के थ्रू पहले पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इसने उमरे को, मक्के मदीना को, खाने काबा को यूज़ करा है, वहाँ जाके फ़ोटो शूट किया है। इसका उमरा माना ही नहीं गया है और बस वहाँ से पूरी दुनिया को फ़ोटो भेज रहा है, हमने उमरा किया है। अरे तू आसिम रियाज, तू जाके लोगों को बता, मुस्लिम लोगों के उमरा करने की फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, तू जाके ये तो बता दो कम से कम कि तवाफ़ कैसे होता है, कितने राउंड लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर क्या करना रहते हैं, जो इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम। वो तो नहीं कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, जाके हीरो बन के घूम रहा है वहाँ पर। ऐसे लोगों का तो पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, कश्मीरी आतंकवादी, इनको कश्मीर वापस भेजना चाहिए इमीडिएटली। शादी आपने हाल ही में उर्फी के बारे में भी कहा था कि उर्फी क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उर्फी फिर भी नए-नए अपने आउटफिट्स के साथ आई है। देखिए वो उस पर मेरा पूरा लीगल टीम काम कर रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जब तक मेरी लीगल टीम मुझे बताएगी नहीं। अभी तो मुझे कल इमीडिएटली किन लोगों ने मुझे बताया कि आप इमीडिएटली इस पर एक्शन लीजिए। अभी अभी उमर रियाज ने झूठा उमरा किया है, ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि उमर रियाज, आसिम रियाज का उमरा हराम है, ये हराम उमरा हुआ है, उमरा हुआ ही नहीं है। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि उनका उमरा कबूल नहीं हुआ आसिम रियाज का। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये सब मत करो, ये सब बंद करो, धर्म को यूज़ करके आगे मत बढ़ो प्लीज़। मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और लोग जो भी प्रॉब्लम है, मैं उनके सॉल्यूशन के लिए आगे आ रहा हूँ, उनके लिए हमेशा फ़ाइट करूँगा। आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका आज जवाब दूंगा। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये बात कि मैं आसिम रियाज में हिम्मत नहीं है मेरे ऊपर अगेंस्ट एक्शन ले सकें, मेरे बात का जवाब दे सकें, क्योंकि वो बहुत ही फट्टू आदमी है आसिम रियाज जिसका नाम है। ये सब सुन के डर के चुपचाप बैठेगा, क्योंकि सच हमेशा बोलता है, झट चुप रहता है झूठ।